हेलो, माय नेम इज शिवानी, मिस गांव में न्यू आई हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। माय नेम इज सोनम। वैसे आपका नाम क्या है? माय नेम ऋषिका। और हाँ शिवानी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तुम बेझिझक हमें बता सकती हो, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। और हाँ, तुम हम लोगों का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हो। ओके, अरे अनजान है तो क्या हुआ, वो इस गांव में नई आई है और इंसानियत के नाते हम उसे इतना तो बता ही सकते हैं कि गांव में कौन सी चीजें कहाँ हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, तेरी दोस्त सिर्फ मैं हूँ। अगर हम दोनों के बीच में कोई और आया ना तो मैं उसे रास्ते से ही हटा दूंगी। ओके? अरे पागल हो गई है तू, ये क्या बोलने लग रही है, थोड़ा सोच समझ कर बोलना। मैंने सब कुछ सोच लिया है, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ बस। अरे हाँ बाबा, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बस तू ही रहेगी यार, वो तो बस गांव में नहीं आई है, उसे कोई भी चीजें नहीं पता कौन सी चीजें कहाँ है, इसलिए मैं उससे थोड़ा बात कर रही हूँ। और तू इतनी ज्यादा साइको मत बन, ठीक है ना, तू ही रहेगी मेरी बेस्ट फ्रेंड, चल अब। अरे कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम तुम्हें गाँव घुमाते, आ जाओ। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने आपको देख नहीं पाया। बस कर, सॉरी माय फुट। गलती हो गई मुझसे, एक्सेप्ट कर रही हूँ ना मैं। गलती ऐसे कैसे हो सकती है गलती? हाँ, इतना बड़ा रास्ता डला है, देखकर नहीं चल सकती क्या तू? अरे मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, फिर आप इतना ज्यादा लाउड क्यों बोल रहे हो मुझसे? मैं सॉरी बोल रही हूँ ना आपसे, मुझे माफ कर दीजिए। बस कर, नहीं चाहिए तेरी कोई सॉरी वॉरी। ऋषिका वो मर जाएगी, छोड़ उसे, छोड़, उसका गला दब जाएगा, छोड़। आज तो मुझे इसे मानना ही है कि कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरी फ्रेंड से ऊंची आवाज में बात कर सके। ध्यान रखना आगे से, ये तेरी जवान है ना, इसको फोन लूट दूंगी मैं। यार ऋषिका छोड़ उसे, चल चल यहाँ से, चल। दो मिनट रुको तुम, ठीक है? ओके। हाय। अरे शिवानी रुको एक मिनट, शिवानी। अरे कहाँ जा रही थी? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा मैं मार्केट जा रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ आज शॉपिंग करने मार्केट। और वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? Your hair is so beautiful. अरे ऋषिका तुम यहाँ कब आई? तुमने मुझ पे ध्यान दिया होता तब पता होता ना, तुम तो इस महारानी से बात करने में लगी थी, अभी आई हूँ मैं। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, बहुत भूख लग रही है, बाजार चलते हैं कुछ खाने, चलो। चलो Excuse me? Yes. क्या तुम इस लड़की को जानते हो? ये मेरी क्लासमेट है, मुझे दो दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैंने जगह जगह ढूंढ लिया, पूरे गांव में ढूंढ लिया, फिर भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने देखी क्या इसको? इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तो शिवानी है। शिवानी है पर गई कहाँ, ये वो पता नहीं चल रहा।
अरे इसका तो मर्डर हो गया है। अरे इसका मर्डर ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो नई थी इस गांव में, फिर इसका मर्डर कौन कर सकता है? अरे इसका मर्डर तो तुम्हारी दोस्त है ना ऋषिका ने किया है। ऋषिका ने? ऋषिका ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच बताओ, क्या ऋषिका ने किया है? हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे ऋषिका, अरे तुम्हें पता है शिवानी का मर्डर हो गया है। मर्डर? मैंने नहीं किया उसका कोई मर्डर। मर्डर मुझे नहीं पता उसके किसने किया है उसका मर्डर। अरे मैंने कब कहा कि तुमने शिवानी का मर्डर किया है, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। देख मुझे सब पता चल गया है, अब सीधा सीधा बोल दे कि मर्डर तूने ही किया है। यार मैंने बोला ना मैंने नहीं किया है। देख तुझे हमारी दोस्ती की कसम, अगर तू मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती है तो सच बता कि क्या सच्चाई है आखिर। बताती हूँ, शिवानी का मर्डर मैंने ही किया है। हाय ऋषिका, कैसी हो? जैसी भी हूँ, मैं कोई तुझसे दोस्ती वास्ती करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। देख तू मेरे और सोनम के बीच में नहीं आ सकती, हम ना बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। अरे सोनम, सोनम तो बहुत अच्छी है। अरे सोनम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं यहाँ पर तुझे वार्निंग देने आई हूँ और तू उसकी भलाई मुझसे ही कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। मिली मुझे शांति, अब कोई नहीं आएगा मेरे और सोनम के बीच में। बड़ी आई। क्या? I can't believe ऋषिका, तुम ऐसा कर सकती हो? शिवानी को क्यों मारा? मुझे सच्चाई बताओ, आखिर उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो ना तुम्हारे साथ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, मुझे नहीं पसंद यार, इसीलिए मैंने। यार मैंने ये सब तेरे लिए ही किया है। तू पागल तो नहीं हो गई? तेरा दिमाग सही तो है ना? ये क्या कर दिया तूने, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। यार मानती हूँ मैंने गलती की है, पर मैंने ये गलती सिर्फ तेरे लिए की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। ये गलती है बहुत बड़ी, ये दुश्मनी है, ये तूने क्या कर दिया। अब तू अपने गुनाहों से नहीं बचेगी। तूने एक निर्दोष की जान ले ली, तूने कभी सोचा उसके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी उसकी? अरे तू पागल हो गई है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी, देखना अब तू नहीं बचेगी। यार पर सांसें हैं थम गई, मैंने दिल जा दिया। यार सोनम तू मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। मैं कोई नहीं समझने वाली, तेरी कोई भी बात नहीं समझने वाली, मैं जा रही हूँ पुलिस को बताने। यार यार तू तो मेरी दोस्त है ना, ऐसा क्यों कर रही है? दोस्त थी पर अब नहीं, अब तू एक गुनहगार है और मैं गुनहगार की दोस्त कभी हो ही नहीं सकती। यार हम दोनों तो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं, हम अलग कैसे हो सकते थे? और हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया तो जरूरी थोड़ी है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हो जाऊंगी। उससे हंस बोल रही थी बस, क्योंकि वो नहीं थी हमारे गांव में इसलिए। पर तूने जो किया अब वो माफी के लायक नहीं है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। जा रही हूँ मैं तो पुलिस को बताने। खत्म हमारी दोस्ती। बदले हो तुम या बदले